मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन लिया है। इस बुक के अंदर से आपकी जो यूनिट चार हैं तो चारों यूनिट को यहाँ पर मैं आपको वन शॉट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसा कि अभी हमने पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन की सब्जेक्ट की जो है दो हमने जो है वन शॉट वीडियो बनाई थी और पेपर पूरा उसी में से ही आया था। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। तो भैया सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोग ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तो इस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर टू से, यानी कि इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर टू से जो कि बहुत ईजी है। तो जो जो आसान है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद में जो थोड़ा सा टिपिकल होगा फिर हम उस वाली यूनिट को लेकर चलेंगे और वन शॉट वीडियो में हम चारों यूनिट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बताते हैं जी भैया, सबसे पहले देखो यूनिट नंबर टू के अंदर, यूनिट नंबर टू से आपका ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, सिनेमा भाषा क्या है और सिनेमा के अलग अलग प्रकार बताइए, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ से देखना है और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ में आएगा और आपके एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सिनेमा की भाषा। तो भैया साहित्य में जिस तरह सार्थक शब्दों के समूह द्वारा वाक्य और वाक्यों से अनुच्छेद की रचना होती है, पहले एक वाक्य बना फिर बहुत सारे वाक्य बने और उससे फिर एक अनुच्छेद बना, उसी प्रकार सिनेमा में भी क्या होता है कि बहुत सारे शॉट्स लिए जाते हैं, पहले एक शॉट लिया फिर दूसरा शॉट लिया, है ना। इन्हीं दृश्यों को यानी कि सीन को संयोजन से, ठीक है, सीक्वेंस से लगाते हैं, यानी कि क्रम से लगाते हैं और जिस प्रकार कोई लेखक किसी विषय को चुनकर क्रमवार वाक्यों को अनुच्छेदों द्वारा कहानी कहता है उसी प्रकार निर्देशक भी क्या करता है, वो शॉट्स को लेता है, सीन्स को लेता है और सीक्वेंस से लगाने के बाद उसको जो है कहानी के पर्दे पर चित्रित कर देता है। समझ आ रहा है कि यानी कि एक राइटर जो है वो क्या करेगा, पहले कोई वाक्य लिखेगा फिर उन वाक्यों को, वो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हो जाएंगे फिर उसका एक अनुच्छेद बनेगा और उसी अनुच्छेद को जो है वो आगे जाकर क्या कर देगा, बहुत सारे अनुच्छेदों में बांट देगा और फिर फाइनली वो एक कहानी बना देगा। ऐसे ही सिनेमा के अंदर, सिनेमा की जो दुनिया है, निर्देशक जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, वो विषय के अनुसार जो भी विषय है उसके अनुसार जो है वो शॉट्स लेगा और फिर वो सीन्स देखेगा कौन कौन से हैं और उनको सीक्वेंस यानी कि क्रम से लगा देगा और उसके बाद में वो कहानी को पर्दे पर दिखा देगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सिनेमा में सबसे पहले ग्रिफिथ ने, यानी कि ग्रिफिथ यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसने दृश्यों को शॉर्ट्स में विभाजित किया था। अब ग्रिफिथ ने सबसे पहले पहचाना कि सिनेमा की जो मूलभूत इकाई है, यानी कि जो सिनेमा है उसकी जो मूलभूत यूनिट है, इकाई है, वो रंगमंच की तरह दृश्य नहीं शॉट है, यानी कि वो रंगमंच की तरह कोई दृश्य नहीं है बल्कि वो एक शॉट है। इसलिए इन्होंने एक दृश्य को कई शॉट्स में विभाजित करना शुरू कर दिया। अब इन शॉट्स को जोड़कर एक दृश्य का निर्माण हुआ। अब आप सोचेंगे सर ये शॉट्स है क्या, तो इसको मैं आपको वहाँ पर आगे बताता हूँ कि शॉट्स होता क्या है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी सी लाइन और है कि ग्रिफिथ की समझ में बात पहले ही आ गई थी कि एक सांस में जैसे मुंह से कहानी नहीं की जा सकती, उसी तरीके से सिनेमा की कहानी को भी खंड खंड और दृश्य और शॉर्ट्स में विभाजित कर कहना पड़ता है। कि भाई अगर मैं बात करूं कि ब्रेथलेस एक सॉन्ग था, आपने सुना होगा शंकर महादेवन कुछ करके हैं उनका सॉन्ग था, तो वो सॉन्ग भी क्या है, मतलब वो पूरा ऐसा नहीं है कि बोला जाता है वो ब्रेथलेस है कि एक सांस में बोला गया, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही एक सांस में कोई बात नहीं बोली जा सकती, तो ऐसे ही कोई भी कहानी एक शॉट के अंदर नहीं बताई जा सकती, उसको अलग अलग शॉट्स में जोड़ा जाएगा। अब बात आती है, ये तो हो गई भाई इसकी भाषा। अब जो आपका क्वेश्चन है कि शॉट्स के प्रकार कितने होते हैं, उनके नाम बताइए। शॉट क्या है, पहले देखो कि जो सिनेमा है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है यानी कि इकाई है वो शॉट है। उदाहरण के लिए मसलन दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो जैसे ही एक व्यक्ति बोलता है निर्देशक का कैमरा उसके बाद उसके पास चला जाएगा और संवाद और भाव को वो कैद कर लेगा। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं एक जगह पर, ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं तो कैमरामैन पहले क्या करेगा, पहले इसके विचारों को ले रहा है जो भी ये बोल रहा है और वह एक शॉट हो गया। फिर उसके बाद वो इस वाले व्यक्ति की बात सुन रहा है, जब वो दूसरा जवाब देगा तो कैमरा उसकी बात को रिकॉर्ड करता है, वह दूसरा शॉट हो गया और फिर इस प्रकार जो है एक स्थान पर होने वाली बातचीत को कई शॉट्स में बांटकर शूट किया जाता है और फिर फाइनली क्या कर देंगे, उसको प्ले कर देंगे एक साथ और इन शॉट को क्रम में यानी कि सीक्वेंस में लगाकर सीन का निर्माण किया जाएगा। किसका सीन, यानी कि दृश्य का निर्माण किया जाएगा। तो क्लियर हो गया शॉट क्या है, कि यार अलग अलग हमने जो है क्लिप ली और उसके बाद में उन सबको एक ही में जोड़ दिया और एक साथ ही चला दिया, ठीक है। अब बात आती है कि शॉर्ट्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भैया बहुत आसान शब्दों में हैं,
आपको ये पॉइंट याद हो गए तो आप आराम से अपने नंबर ले सकते हो। सबसे पहला है आपका बर्ड आई व्यू शॉट। अब बर्ड आई व्यू शॉट का मतलब क्या है, आजकल आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर जो है ना ड्रोन उड़ते हैं, ड्रोन देखे ना, वो कैमरा सा उड़ता है, एक गोल कैमरा होता है, फिर उसके चारों तरफ यहाँ पंखड़ी सी होती है और वो उड़ता है हवा के अंदर और वो सब कुछ कैप्चर कर लेता है। तो यह शॉट जो है फिल्मकार किसी भी लोकेशन को स्थापित करने के लिए बहुत ऊपर से लिया जाता है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि क्रिकेट में जब पूरी पिच को दिखाया जाएगा ना, ऊपर से पूरे स्टेडियम को दिखा दिया जाता है, तो वो कौन सा शॉट होता है, वो बर्ड आई व्यू शॉट होता है। या शादी ब्याह के अंदर भाई आपने देखा होगा कि ऊपर से पूरा का पूरा मैरिज होम दिखाया जा रहा है, तो इसे भी हम बर्ड आई व्यू शॉट के नाम से जानते हैं। सिनेमा में पहले इस तरह के शॉट हेलीकॉप्टर से लिए जाते थे, पर आजकल क्या हो गया है, आजकल तो जो है शॉट ड्रोन चल गया है, तो उसी ड्रोन से जो है वो सारे शॉट को ले लिया जाता है। इसी शॉट में फिल्मकार फिल्म की कहानी किस देश या शहर की है ये स्थापित करता है। देखते हो ना, कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो ऊपर से दिखाया भाई कि ये चंबल शहर है या फिर ये जो है आपका विदेश है, जो भी दिखाया जाता है तो वो उसके अंदर बर्ड आई व्यू शॉट के अंदर ही दिखाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब भैया बात आती है इसके शॉट के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको बताना है। तो शॉट के प्रकार में सबसे पहला शॉट आता है आपका मास्टर शॉट। अब फिल्म में कहानी किस जगह की है इसे बताने के लिए अक्सर इस तरह के शॉट का प्रयोग किया जाता है। ये जो कहानी है वो कहाँ से है, कैसे है, इसका नायक कौन है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल में बताई जाएगी वो कौन सा शॉट होगा, मास्टर शॉट होगा, कि हीरो कहाँ से आया है ना, ये सब चीज़ें। फिर आता है फुल शॉट, तो इसमें किसी कलाकार के पूरे शरीर को दर्शाया जाता है और इसी को लॉन्ग शॉट भी कहते हैं, फुल शॉट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको और लॉन्ग शॉट भी कह सकते हैं, है ना। इसके जरिए कलाकार के हाव भाव और एक्शन को दिखाया जाता है। ये फुल शॉट होगा, हीरो यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसके बारे में उसको पूरा डिटेल में दिखाया जा रहा है ऊपर से, ठीक है। फिर आता है मिड शॉट, इसमें क्या होगा कि भाई जो हीरो खड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर जो कैमरा लगा हुआ है यूं करके, ठीक है, तो ये कैमरा जो है वो इसके ऊपर हिस्से को, कलाकार के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा, सिर से कंधे तक को दिखाएगा बस, है ना, इतना दिखाएगा, इसे मिड शॉट कहते हैं। फिर आता है आपका इसके बाद में मिड क्लोजअप। अब मिड क्लोजअप क्या है, तो भैया इसमें जो है कलाकार के हाव भाव को, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस को बारीकी से दिखाते हैं, कंधे से चेहरे तक का हिस्सा, तो ये मिड क्लोज अप शॉट आएगा। जैसे कि कोई सैड है, वो बैठा हुआ है, उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उन आंसुओं की बूंदों को दिखाना, ठीक है, और उसके चेहरे पर किस तरीके से तनाव है वो सब दिखाना, वो मिड क्लोज अप शॉट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सट्रीम क्लोज अप शॉट। अब एक्सट्रीम क्लोज अप का क्या है कि इसमें कलाकार के चेहरे के भाव के रिकॉर्ड भाव को रिकॉर्ड किया जाएगा। यह शॉट कलाकार के अलावा किसी वस्तु या दृश्य का भी हो सकता है, पर्टिकुलर जैसे अगर हम बात करें दृश्य मूवी आपने देखी होगी, उसमें जब उसकी माँ उस मोबाइल तोड़ देती है तो उसकी एक छोटी सी सिम होती है, सिम आपने देखा हो कितनी छोटी होती है, तो उस सिम को जूम करके दिखाया जाता है, तो वो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट है। जब किसी बारीक से बारीक चीज़ को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है तो वो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ओवर द शोल्डर शॉट आता है, इसको OTS के नाम से जानते हैं। फिल्म में जब दो तरह का शॉट इस तरह का शॉट जो है दो व्यक्तियों की एक्सट्रीम बातचीत में प्रयोग होता है। जब दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं तब एक व्यक्ति के बोलने पर दूसरे व्यक्ति के कंधे से बगल की शॉट दिखाया जाएगा और जिसमें कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इस शॉट में दिखाई देंगे, इसे हम बोलेंगे OTS शॉट। अब भैया उसके बाद आता है आपका फेस टू फेस, यानी कि मिड शॉट, और फिर आता है लो एंगल शॉट। अब फेस टू फेस शॉट कौन सा होता है, इस शॉट में दो व्यक्ति जब आपस में आमने सामने बात करते हैं तो दोनों ही पात्र साइड से दिखाई देंगे, साइड से, है ना, सामने से नहीं साइड से, और इसमें दोनों का कमर से ऊपर का हिस्सा दिखाया जाएगा, बात करते हुए दोनों दिखाए जाएंगे। लो एंगल शॉट आता है, वो आता है किसी वस्तु या पात्र को शक्तिशाली दिखाने के लिए कैमरे को नीचे रखा जाता है ताकि वह व्यक्ति या वस्तु अपने आकार में ज़्यादा बड़ा दिखाई दे और विराट दिखाई दे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा, आपने देखा होगा ना साउथ इंडियन मूवी के अंदर कि भाई हीरो जब जा रहा है तो ये कैमरा लगा दिया तो यहाँ से दिख रहा है कि उसके पैर कितने बड़े दिख रहे हैं, वो हीरो कितना विशाल दिख रहा है ना, उसको विराट दिखाने के लिए अक्सर इस तरह का शॉट एक्शन फिल्मों में होता है हीरो के लिए और विलेन को खतरनाक दिखाने के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। मास मूवी देख लो आप, कोई सी मूवी देख लो, राउडी राठौर देख लो, तो इन सभी मूवीज़ के अंदर जो शॉट लिए गए जिसके अंदर बहुत हैवी जो है ख़तरनाक इनका वो फेस एक्सप्रेशन दिख रहा है, पूरी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, तो इस शॉट को ही क्या बोला जाएगा, लो एंगल शॉट के नाम से जाना जाएगा। भैया लास्ट इसके अंदर आता है आपका हाई एंगल शॉट।
किसी वस्तु या पात्र को कमतर दिखाने के लिए, उसको बहुत छोटा दिखाने के लिए, कमजोर दिखाने के लिए कैमरे को ऊपर रखा जाएगा ताकि वह व्यक्ति या वस्तु अपने आकार में छोटा हो। और कभी कभी इस एंगल का इस्तेमाल पात्रों के अंदर के घबराहट को, डर को दिखाने के लिए भी किया जाता है। ये आता है आपका हाई एंगल शॉट। लो एंगल शॉट में क्या होगा, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा बिल्कुल डरावना दिखाने के लिए, और हाई एंगल शॉट के अंदर बिल्कुल लो दिखाने के लिए। तो ये पॉइंट याद हो जाएंगे आपको, शॉट क्या है और शॉट के प्रकार कौन कौन से हैं, आराम से आप लिख लोगे इसे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं भैया, आपका इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, सिनेमा के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। अब सिनेमा के भी प्रकार हैं, इसके भी टाइप्स हैं। सबसे पहला व्यावसायिक सिनेमा। व्यावसायिक का मतलब क्या है भैया, बिजनेस, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यानी कि किसी भी कहानी पर कुछ सेट फार्मूले के हिसाब से जब फिल्म बनाई जाती है जिसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, तो इसे हम व्यावसायिक सिनेमा बोलेंगे। तो क्लियर सी बात है कि भाई किसी को भी यहाँ पर डाउट होना ही नहीं चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिनेमा के प्रकार बताइए और आपने लिखा पहला व्यावसायिक सिनेमा, तो व्यावसायिक सिनेमा होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, तो उसे हम जो है व्यावसायिक सिनेमा के वर्ग के अंदर रखते हैं। भारत में हर साल सभी भाषाओं की कुल 1600 से भी ज़्यादा फिल्में रिलीज होती है। इन इंडिया देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। 1600 से भी ज़्यादा फिल्में जो रिलीज़ हो जाती हैं, और व्यावसायिक सिनेमाओं से ये आशय किया जाता है कि उन फार्मूलो फिल्मों से ही जिसमें एक साथ एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, सस्पेंस हो, मेलो ड्रामा हो, ये सारे के सारे मसाले डाल दिए जाते हैं, और इन फार्मूला फिल्मों में दर्शकों की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, सस्पेंस और मेला ड्रामा सब कुछ डाल दिया जाता है, जिससे कई बार फिल्म की कहानी से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ये फिल्में ना केवल संगीत में होती है बल्कि कई बार इनके दृश्य अतार्किक भी होते हैं। इस तरह के सिनेमा को हम व्यावसायिक सिनेमा का नाम दे सकते हैं, मतलब जिस मूवी का कोई लेना देना नहीं है, बस वो सिर्फ आ गई आपको हंसाने के लिए, आपको आगे दिखाने के लिए एक्शन, लड़ाई झगड़ा कैसा है, रोमांस दिखाने के लिए, सस्पेंस दिखाने के लिए। जैसे दृश्यम है, दृश्यम का कोई लेना देना नहीं है, सस्पेंस मूवी है, आप देखते रहो भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सारी मूवीज़ होती हैं सिर्फ व्यावसायिक मूवी, यानी कि व्यावसायिक सिनेमा की, जिसके अंदर सिर्फ पैसा कमाया जाता है। आगे चलते हैं भैया थोड़ा सा। अब मेरे जितने भी यहाँ पर मुन्ना मुन्नी जो वीडियो को देख रहे हैं वो समझे जा रहे हैं। यहाँ पर समानांतर सिनेमा जो है वो कौन सा है, किसी भी संजीदा मुद्दे पर, यथार्थ पर का मतलब रियलिटी पर है ना, रियलिज्म ढंग से बनाई गई फिल्म को हम समानांतर सिनेमा के वर्ग में रख सकते हैं। ऐसी फिल्म का उद्देश्य मुनाफा कमाना ना होकर आम दर्शकों का वैचारिक और संवेदनात्मक विकास करना होता है। भारतीय सिनेमा में सामाजिक और यथार्थवादी आंदोलन के रूप में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल और चेतन आनंद द्वारा की फिल्म जो है नीचा नगर, इनको देखा जा सकता है। इन फिल्मों में उन समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। तो ये मूवी ऐसी थी जो कि समाज के अंदर क्या कर रही है, किसी मुद्दे को उजागर कर रही है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका है। फिर आता है भैया क्षेत्रीय सिनेमा क्या है। क्षेत्रीय सिनेमा से तात्पर्य उस सिनेमा से है जो किसी एक राज्य विशेष की भाषा संस्कृति को दिखाता है। भाई अगर साउथ की कोई मूवी देख ली आपने, उसमें देखा होगा आपने, वो हमेशा जो है वो मंदिर जरूर दिखाते हैं, इस पर बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, उस पर जाना है ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, वो अपने क्षेत्रीय सिनेमा पर, यानी कि वो अपने सिर्फ लोकल, अपने राज्य की एक विशेष भाषा को, संस्कृति को, इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा रखते हैं। उनके दर्शकों का दायरा भी सीमित होता है, उनका प्रदर्शन भी अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हो पाता। इसके बावजूद क्षेत्रीय सिनेमा को पर्याप्त लोकप्रियता हासिल है। भारत में बांग्ला मूवी हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, मराठी हो गई, कन्नड़ हो गई, इन सिनेमाओं ने भी केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये सारी की सारी जो है आपकी क्षेत्रीय सिनेमा के अंदर आती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भैया आगे, अब बात आती है कि जो यूनिट नंबर 3 है आपकी, यूनिट नंबर 2 हो गई, यूनिट नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, उसके बाद में यूनिट नंबर 4, और फिर फाइनली चलेंगे यूनिट नंबर 1 पर, इस बुक की स्टार्टिंग पर। उससे पहले हमें यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपके सामने क्वेश्चन आता है यूनिट से कि भाई सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है। इसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, सिनेमा में कैमरे की भूमिका बताइए, कैमरे के बिना सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए, तो यानी कि उसके रोल की बात की जा रही है। सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो भैया कैमरा अगर होगा तो सिनेमा है, अगर कैमरा नहीं है तो सिनेमा नहीं है, ठीक है।
जैसे बोलते हैं ना, पैसा हो पास तो बढ़िया लगे सब कुछ, और पैसा ना हो पास तो मेला लगे उदास। तो भैया अगर कैमरा ही नहीं होगा तो सिनेमा ही नहीं होगा। सिनेमा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जब कैमरे की सहायता से शॉट लिया जाता है। अब कैमरा ही नहीं है तो शॉट कहाँ से लोगे? इसका मतलब क्या है कि भाई कैमरे का बहुत महत्वपूर्ण रोल है सिनेमा के अंदर। एक ही दृश्य में कई शॉट हो सकते हैं और होते भी हैं। अभी हमने ऊपर शॉट के बारे में पढ़ा था ना, वही शॉट के टाइप हम मैं यहाँ पर आपको दोबारा से डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो शॉट जो हमने ऊपर पढ़े थे वो थोड़े से अलग हैं, और वो शॉट के प्रकार थे। यहाँ पर हम इसके अंदर बात करेंगे लॉन्ग शॉट, जो दर्शक को घटनास्थल से परिचित करवाने का काम करता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सेम वही। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, कैमरे को बहुत दूर रखकर उसको शूट किया जा रहा है, जैसे कि सूरज डूब रहा है, दूर से पहाड़ियाँ दिख रही हैं, एक जहाज उड़ रहा है अकेला, उसको दिखाया जा रहा है। फिर आता है मास्टर शॉट, वह शॉट होता है जिसमें ये पता चलता है कि कौन कहाँ पर है। मास्टर शॉट आमतौर पर एक लंबा शॉट होता है जो पूरे दृश्य को कवर करता है। फिर आता है क्लोजअप शॉट, क्लोज शॉट को क्लोजअप शॉट भी कहते हैं, क्योंकि इस शॉट को पास से लिया जाता है। तो ये तो इसके प्रकार हो गए। इसके अंदर अगर आपका एक और क्वेश्चन ऐड हो जाए कि सिनेमा के विकास में तकनीकी का क्या योगदान, टेक्निकल चीज़ें जो है उनका क्या इसमें लेना देना है, तो ये अगर देखें यहाँ पर तो सबसे पहला क्या है इसमें भैया, कैमरामैन होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन फोकस करो, क्योंकि ये नहीं फोकस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कैमरा तथा कैमरामैन के बिना फिल्म नहीं बन सकती। वे सभी कार्य जो कि कैमरे की तकनीकी से होते हैं, जैसे कि कैमरा स्टैंड, फिल्म स्पीड, लेंस का चुनाव और फ्रेम कंपोजिशन आदि सभी कार्य कैमरामैन को आना अति आवश्यक है। अगर कैमरामैन को ये सारे काम नहीं आते तो आपका कैमरामैन बेकार है, चूरन है वो। अच्छे फिल्मांकन के लिए एक अच्छे और कुशल कैमरामैन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसमें भैया वो भी बहुत ईजी है, लाइट की व्यवस्था। लाइट व्यवस्था फिल्म तकनीकी पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है। दृश्यों को कैमरे में प्रभावशाली ढंग से बंद करने के लिए लाइट व्यवस्था का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक सीन के अनुरूप लाइट को सही यानी कि एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि इंडोर शूटिंग के लिए बड़े बड़े पावर के बल्ब की ज़रूरत होगी। सूरज की रोशनी यदि कम होती है तो उपकरणों की सहायता से उसको जो है बहुत कृत्रिम यानी कि एक्स्ट्रा में अलग जो बनावटी लाइट होती है उसको डाला जाता है। बड़े बड़े जो है रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पर जो है उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। ये हमारा लाइट व्यवस्था। फिर आता भी आपका साउंड रिकॉर्डिंग। तो शूटिंग के दौरान कलाकारों के संवाद अगर रिकॉर्ड करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे भैया, साउंड को रिकॉर्ड करेंगे और उनके होठों की हलचल के साथ में मैच करके उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा जो भी साउंड आ रहा है। फिर आता डबिंग। डबिंग भी सेम वही है आपका। इसमें क्या होगा कि भाई जो भी आपने डायलॉग बोले हैं वो सभी डायलॉग, है ना, जितने भी आप डायलॉग बोल रहे हो उन सभी डायलॉगों को यहाँ पर जो है अपने होठों की गति से मिलाकर उसको संवाद को बोलना पड़ता है, उसे डबिंग कहा जाता है। हम भी डबिंग करते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर जितने भी लोग रील्स बना रहे हैं गानों पर, वो क्या कर रहे हैं, डबिंग ही तो कर रहे हैं। गाना चल रहा है और उस पर लिप्स हिला रहे हैं और उसके बाद में क्या हो रहा है, वो वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं और उसके बाद में भैया फेमस हो रहे हैं, है ना। फिर आता साउंड इफेक्ट। डबिंग के बाद साउंड इफेक्ट का काम भी बाकी रहता है। संवाद के अलावा फिल्मों में अलग अलग की आवाज़ें भी डाली जाती है। सपोज़ अगर संवाद हो रहा है बारिश के अंदर तो भाई बारिश की आवाज़, कोई चलते हुए आ रहा है उसके जूते की चलने की आवाज़, है ना, बर्तनों की गिरने की आवाज़, दरवाज़ा अगर कोई हॉरर मूवी है तो दरवाज़ा बंद और खुलने की आवाज़, है ना, गाड़ी अभी जैसे टार्जन मूवी के अंदर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ दिखाते हैं, हॉर्न की आवाज़ दिखाते हैं, है ना। और ऐसी कोई मूवी हो जाए जो कि भाई दंगे वंगे वाली तो उसमें पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो साउंड इफेक्ट है। ये हम लोग उसके अंदर डालते हैं कि मूवी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे। आगे आते हैं भैया उसके बाद में यूनिट नंबर 4 पर। 2 भी हो गई, 3 भी हो गई, यूनिट नंबर 4 पढ़ते हैं, उसके बाद पहुँचेंगे तुरंत यूनिट नंबर 1 पे। और यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं को आप समझ लीजिए ज़रा। नई तकनीक और सिनेमा, हिंदी सिनेमा के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले सिनेमा के दृश्य। पटकथा फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी को दृश्यों में विभाजित करना ही पटकथा कहलाता है। अलग अलग उस तरीके से उसको बांट दिया गया, उसकी स्क्रिप्ट है। पटकथा क्या है, पूरी एक स्क्रिप्ट है। अब पटकथा लेखन को, लेखक को फिल्म की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी पटकथा लिख रहा है, जो भी उसकी जो क्या कहते हैं उसे स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसको जो है उसकी बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या लिख रहेगा उसके बारे में। निर्देशक सबसे पहले एक अच्छी कहानी का चुनाव करेगा कि भैया ये कहानी है, इस कहानी के ऊपर हमारे को लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो भी वो राइटर होगा जो उसके बारे में उसकी स्क्रिप्ट को लिखेगा, फिर वो स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से लिख पाएगा। ठीक है,
फिर आती है भैया तकनीकी। सिनेमा और तकनीकी का संबंध आरंभिक समय से ही है। जब फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ तो तकनीकी उसके साथ में जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पे तकनीकी का इस्तेमाल करना है दूसरा पॉइंट। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर एक और आएगा फिर कहानी, कि भाई फिल्म में कहानी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे, पहले मूवी बनती थी, अब भी बनती है, जिसमें कहानी का कोई लेना देना नहीं है, बस मूवी बना दी, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है स्पेशल इफेक्ट, आप मूवी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे हैरी पॉटर मूवी आपने देखी होगी, जुरासिक पार्क आपने देखी होगी, स्पाइडरमैन देखी होगी, इन मूवी में स्पेशल इफेक्ट डाले गए हैं, गाड़ी उड़ गई, अचानक से हीरो आ गया, है ना, तो ये सब हॉलीवुड के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आइटम गीत, आइटम गीत क्या है भैया, जिसको हम आइटम सॉन्ग कहते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये सब आइटम सॉन्ग है। जैसे फिल्म शोले के अंदर महबूबा महबूबा, यहाँ पर मैंने पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये ऐसे सॉन्ग दिए गए हैं। करण अर्जुन के अंदर ये चोली के पीछे क्या है, छत पर सोया बहन हुई, ये सब क्या है, ये आइटम सॉन्ग है जिनका मूवी से कोई लेना देना नहीं है, बस इनको डाल दिया जाता है। फिर आता है गीत संगीत, अब इसमें क्या है, गीत संगीत यानी कि जो बहुत बड़े बड़े जो कवि रहे या जो भी लोग रहे, वो क्या करते हैं, अपनी बातों को गाकर यानी कि गीत के द्वारा समझाना। रागनी सुनी होगी आपने, या कोई भी कोई दुख भरी कहानी या कुछ भी है, तो गाने के द्वारा जो है उसको दिखाया जा रहा है ना, तो ये सब आपका गीत संगीत में आ जाता है। उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 5 में, यानी कि 4 में, ऐसा और कुछ नहीं है, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, जो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं दो फिल्मों के बारे में बताइए भाई, अगर आपको 10-10 नंबर के दो पॉइंट दे दिए, कि आपको कोई भी दो मूवीज के रिव्यू देने, कुछ नहीं करना, सबसे पहले थोड़ी सी भाई आपको मसाला डालना है, कि जब भी हिंदी सिनेमा की बात की जाएगी तो भाई बड़े बड़े फिल्म बनाने वालों का नाम लिया जाएगा, है ना, ऐसे जैसे इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद में आप कोई भी एक मूवी का नाम ले दो, कि ये मूवी जो है दुनिया की सबसे ख़तरनाक मूवियों में से एक है, मेरे लिए बहुत पसंदीदा थी, इस मूवी के अंदर जो है युवाओं को एक मैसेज दिया गया है, तो जो भी आपको पता है, जो भी आपको आता है, इस क्वेश्चन में तो आप पूरे नंबर लेंगे ही लेंगे, क्योंकि इसमें आपने आपसे पूछ रहे हैं भैया कि आपने मूवी देखी है, आप बता दो क्या है उस मूवी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 मैंने कंप्लीट करा दी, यूनिट नंबर 1 पे दोबारा चलते हैं, उसके बाद में हमारी ये जो है यहाँ पर हमारी ये जो वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो है अपना सिर्फ एग्ज़ाम देना है। अब कला के रूप में सिनेमा, उसकी व्याख्या कीजिए ये क्या है, तो भैया यहाँ पर ये सब बता रखा है कि कोई संदेह नहीं है कि आज सिनेमा कई श्रेष्ठ कलाओं का एक निश्चित रूप है। कला रूप में सिनेमा की सैद्धांतिकता पर बात करने से पहले यहाँ पर कला शब्द की अवगत होना आवश्यक है। कला क्या है, कला एक अंग्रेजी शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द है जिसका नाम है आर्ट, और आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शिल्प और नैपुण्य विशेष से लिया जाता है। जैसे अगर आपने बोला कि भाई ये व्यक्ति जो है खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो वो भी एक कला है। नाश्ता बहुत अच्छा है, वो भी एक कला है। मतलब घर बहुत बढ़िया डिज़ाइन करता है, आर्किटेक्चर है, तो वो भी एक कला है। ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है, वो भी एक आर्ट है। तो ये सब आर्ट है आपकी। अब आगे बताया गया कि सिनेमा आज एक कला के रूप में सर्वमान्य हो चुका है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया चली है, बहुत लंबे समय से है, पहले से, ऐसा नहीं आज ही आज में आ गया, ऐसा नहीं, बहुत लंबे समय से। तो इतना आप यहाँ से रीड कर लेंगे, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे समझा सकूँ। टाइम बहुत कम है हमारे पास, इस वजह से जो है हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेकर चल रहे हैं। साहित्य समाज सिनेमा के परस्पर संबंध, और साहित्य सिनेमा में क्या संबंध, तो भैया साहित्य और सिनेमा में जो भी संबंध हैं, साहित्य और सिनेमा में, तो सिनेमा, थोड़ा सा मैं अभी वॉइस को देख लेता हूँ, शायद अभी कोई दिक्कत ना हो। साहित्य और सिनेमा, सिनेमा और साहित्य का धरातल अलग अलग है। धरातल मतलब जो है दोनों की सिचुएशन थोड़ी सी अलग अलग है। सिनेमा शुद्ध मनोरंजन प्रधान होता है, जिसमें दर्शकों के मांग का ख्याल रखा जाता है, और दर्शक को जो चाहिए फिल्म इंडस्ट्री वही परोसता है, जिसका सीधा संबंध व्यवसाय से होता है। आपको भाई रोमांटिक मूवी चाहिए, आपको रोमांटिक मिलेगी। आपको अगर चाहिए कि भाई मोटिवेशनल मूवी चाहिए, तो आपको जो है 3 इडियट और सुपर 30, है ना, ऐसी मूवीज़ देखने को मिल जाएगी आपको। और जबकि साहित्य जो है वो संवेदना और अनुभूति प्रधान होता है, इसमें जो है वो इसमें निजी संवेदना और अनुभूति को केंद्र में रखकर समाज के यथार्थ रूप को सामने लाने का प्रयास किया जाता है, कि हूबहू यथार्थ मतलब जो रियलिटी है वो लेकर आते हैं। दो धरातल पर होने के बावजूद भी साहित्य और सिनेमा कई बिंदुओं पर भी मिल जाती है।
सिनेमा कल्पना प्रदान है तो वहीं भावों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे दृश्य का निर्माण कर दिया जाता है जो शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके आप यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया है इसका। तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 है, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 2 और 3 और 4 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो यूनिट नंबर 2 में आपका ये क्वेश्चन रह रहा है बस आपका, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर ये आपका पूरा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा यहाँ पर से आप रीड कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में आपका पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और अब आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को आप जो है अपने आंसर्स में लिख कर भी आएंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है। ये वन शॉट वीडियो थी आपकी, वन शॉट वीडियो के अंदर जो जो क्वेश्चन रह गए थे उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे देख कर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और बाकी जो है आप हमारे साथ बने रहिए, जब तक के लिए धन्यवाद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।